अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज हम 10वीं जमात साइंस हिस्सा दुअम का 16वां सबक तवारिस और तगय्युर इसके बारे में मुतालिया करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो चलिए हम सबक शुरू करते हैं। तवारिस ये जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ विरासत से बना है और विरासत का मतलब ये है कि वालदैन से जो चीज़ या जो खसूसियात आने वाली नस्ल को जो मिलती है उसे विरासत कहते हैं। और तगय्युर इसका मतलब है चेंज, तब्दीली। तो हम देखते हैं, ज़रा सोचिए, क्या आपकी जमात में तमाम लड़के लड़कियां एक जैसे नज़र आते हैं? जी नहीं, बल्कि उनमें फ़र्क नज़र आता है। बहुत सारे बच्चे जो है उनकी हाइट मुख्तलिफ होती है, उनका जो है चेहरा, उनका रंग जो है वो मुख्तलिफ होता है। इस तरीके से उनमें जो है मुख्तलिफ जो है फ़र्क दिखाई देता है। तो अब हम जो है नीचे दी हुई जदवल में देखेंगे कि सबसे पहले इसमें दिया हुआ है जिल्द का रंग। अब हम देखते हैं कि हमारे घर में दादा दादी वालिद वालदा सबकी जिल्द का रंग अगर आपने देखा तो सबका जो है जिल्द का रंग अलग अलग होगा। कोई गोरा है, कोई सांवला है, है ना, कोई काला है। इस तरीके से रंग में फ़र्क नज़र आएगा आपको। फिर नंबर दो है चेहरे की साख, गोल है या लंबूतरी है। इसी तरीके से कद, है ना, कोई बहुत ऊंचा कद का है, कोई नीचे कद का है, कोई दरमियानी कद का है। इसी तरीके से आँखों का रंग भी मुख्तलिफ है नज़र आएगा हमको। किसी का रंग ब्राउन है, किसी का नीला है, काला है। उसी तरीके से हाथ के अंगूठे की साख ये भी मुख्तलिफ नज़र आएगी। तो एक ही नस्ल के जो जानदार होते हैं, एक ही नौ के एक ही नस्ल के जानदारों में बहुत ज़्यादा हमें तनव्वो यानी फ़र्क जो है नज़र आता है, है ना। इस जैसे मिसाल के तौर पर कुत्ता है, कुत्ते की बहुत सारी नस्लें हैं, उसकी किस्में हैं, है ना, रंग में है और उसकी साख में है। तो इस तरीके से हर जानदार में जो है फ़र्क पाया जाता है। अब हम तवारिस के बारे में देखेंगे। तवारिस असल में जानदारों की जो खसूसियात है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में किस तरह मुंतकिल होती है, इसके लिए ख़ास तौर पर जीन का मुतालिया किया जाता है, जो कि हयातियात की एक शाख है और इस शाख को जीनियात या जेनेटिक्स कहा जाता है। चूँकि जीन ही जो है अहम है, सबसे अहम जो है जीन है, वो खसूसियात को मुंतकिल करता है वालदैन से आगे वाली नस्ल में। अब तौलीद के अमल के ज़रिए जानदार अपने जैसा नया जानदार पैदा करते हैं, और जो नया जानदार पैदा होता है तो उसकी जो खसूसियात है वो वालदैन के जैसी ही होती है, वालदैन से मुशाबियत रखता है और बहुत सारा फ़र्क भी हमको नज़र आता है। अब तौलीद जो है इसमें दो किस्में हो गई, एक यकसनफी तौलीद है और दूसरा सनफी तौलीद। यकसनफी तौलीद या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहा जाता है। इस जो है इस तरीके के अफजाइश नस्ल में जो है नर और मादा नहीं होता, बल्कि जो नया जानदार पैदा होता है वो उसी जानदार से एक हिस्सा अलग होके, जैसे मिसाल के तौर पर अमीबा या पैरामेशियम, ये या खलवी जानदार है। और ये जब खलिये की तकसीम के ज़रिए जो है ये नया जानदार पैदा करते हैं, जो कि अपने वालदैन से बिल्कुल मुशाबा नज़र आता है, इनमें फ़र्क कम दिखाई देता है। जबकि सिनफी अफजाई यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहा जाता है, उसमें नर और मादा, मेल फीमेल जो है आपस में मिलते हैं और उसके ज़रिए जो जानदार पाए जाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हमको नज़र आएगा। अब किन बुनियाद पर ये फ़र्क हमको नज़र आएगा, इसके लिए हम देख सकते हैं शक्ल के अंदर कि चेहरे की साख्त जो है ये हर इंसान की अलग नज़र आती है हमको। उसी तरीके से नाक और होंठ की साख्त, आप देखिए यहाँ पर नाक दोनों की मुख्तलिफ नज़र आ रही है, होंठों की साख्त भी मुख्तलिफ है और थोड़ी के
जो बनावट है थोड़ी, है ना, इसको चिन कहते हैं हम, है ना, ये भी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इसी तरीके से कान की लौ है, ये आप देखिए यहाँ पर ये कान की लौ ये चेहरे से ये कनपट्टी से मिली हुई है, जबकि ये बिल्कुल सीधी है। इसी तरीके से पेशानी पे बालों का जो है तरतीब ये मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ही किस्म के जानदारों में ये फ़र्क करती हैं, और ये वालदैन से ये खसूसियात जो है आने वाली नस्ल में हमको नज़र आती है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे तवारिस, तवारिस किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ क्या है। तो वालदैन की जिस्मानी और ज़हनी खसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कुत्ते के बच्चे कुत्ते ही होते हैं, कबूतर के बच्चे कबूतर ही होते हैं, और इंसान की औलाद इंसान जैसी ही होती है, इसे ही तवारिस कहा जाता है। अब हम देखेंगे तवारिसी खसूसियात और खसूसियात का इजहार। बताइए तो भरा, जानदारों में इम्तियाजी खसूसियात किस तरह ज़ाहिर होती हैं, और ये खसूसियात जो है दरअसल जानदारों में जो जीन मौजूद होता है जो तवारिसी खसूसियात जो है मुंतकिल करता है, उसकी वजह से ये हम भी इम्तियाजी फ़र्क जानदारों में उनकी नस्लों में नज़र आता है। अब चूँकि औलाद और वालदैन दोनों में बहुत ज़्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं, और ये यकसानियत और फ़र्क तवारिस का नतीजा होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तवारिसी निज़ाम क्या है, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि खलीये के अंदर जो है मरकज़ा मौजूद होता है, और मरकज़े के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जो है एक मखसूस हिस्सा होता है जिसमें मखसूस प्रोटीन की तैयारी के मुतालिक मालूमात ज़खीरा की होती है, और इसे इस हिस्से को जो है जीन कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर हम नबातात की मिसाल लेते हैं कि नबातात की ऊंचाई के लिए जो जमातात जो है ऊंचाई जो है हासिल करते हैं, तो उस तो नबातात में जो हैं नमूई महरकाब पाए जाते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अब इन नमूई महरकाब पर जितना ज़्यादा इखराज होगा उसके मुताबिक जो है दरख्तों की ऊंचाई बढ़ेगी, अगर कम इखराज होगा नमूई महरकाब का तो उनकी नशोनुमा की रफ़्तार कम होगी और उनकी ऊंचाई नतीजतन कम होगी। इसी तरीके जैसे हमारे जिस्म में भी ग्रोथ हारमोन्स होते हैं, है ना, अगर वो ज़्यादा मकदार में खारिज होंगे तो हमारी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी, और कम मकदार में होंगे तो हाइट कम होगी, है ना। तो इसी यही वजह है कि हमें इसमें फ़र्क नज़र आता है, है ना। इसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम या लोनिए। अब ये क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, खलिये के मरकज़े में पाया जाता है, खलिये के मरकज़े में क्रोमोसोम जो है ये तवारिसी खसूसियात को ले जाने वाला जुज़ जो है पाया जाता है, और ये मरकज़वी तुरशों और प्रोटीन से बना होता है, यानी मरकज़वी तुरशे इन्हें जो है न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, है ना, और प्रोटीन। खलिये की तकसीम के दौरान खुर्दबीन के ज़रिए हम क्रोमोसोम को वाज़े तौर से देख सकते हैं। आप देखिए क्रोमोसोम की जो है शक्ल दी हुई है यहाँ पर, इसकी जो साख किस तरीके से नज़र आ रही है, इसमें जो है इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, ये ऊपर का बाजू ये जिसे पी बाजू कहा जाता है, और नीचे का ये जो है ये क्यू बाजू है, और बीच में जो दबा हुआ हिस्सा है इनके बाजी हिस्सा, इसको मरकस पारा कहा जाता है। हर जानदार में क्रोमोसोम की तदाद मखसूस होती है, इंसानों में क्रोमोसोम की जो है 46 तदाद होती है, और हर क्रोमोसोम जोड़ियों में पाया जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो है ये डीएनए जिस तरीके से पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं ये बारीक जो है धागे की शक्ल का ये डीएनए जो इस तरीके से लच्छेदार जो है शक्ल में लिपटा हुआ है, और खलिये की तकसीम के दौरान हमको जो है
वाज तौर से ये नज़र आता है जब खलिया तकसीम होता है, माइटोसिस का अमल होता है, तो उसमें जो है क्रोमोसोम ही जो है तकसीम होता है। अब इस मरकज़ की जो मुकाम है इसकी बिना पर क्रोमोसोम के जो है चार किस्में पाई जाती हैं। अब देखेंगे क्रोमोसोम की किस्में। सबसे पहली जो किस्म है वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, आप शक्ल में देख सकते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसके अंदर जो है मरकज़ पारा जो है बिल्कुल दरमियान में होता है और ये अंग्रेज़ी के हर्फ वी की तरह दिखाई देता है। इसी तरीके से दूसरी जो किस्म है सब मेटासेंट्रिक, इसमें मरकज़ पारा किसी कदर हटा हुआ दिखता है और ये अंग्रेज़ी की शक्ल एल की जैसा दिखाई देता है। इसी तरीके से नंबर तीन है टीलोसेंट्रिक, इसमें जो है मरकज़ा एक सिरे पर दिखाई दे रहा है, मरकज़ पारा जो है ये एक सिरे पर नज़र आ रहा है। और चौथी किस्म है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जो है अंग्रेज़ी का स्मॉल लेटर जे इसकी इस तरीके से नज़र आ रहा है, इसमें जो है मरकज़ा एक तरफ को हटा हुआ है मरकज़ पारा। ठीक है, तो मरकज़ पारा के मुकाम की बिना पर इस तरीके से ये क्रोमोसोम की चार किस्में हुई। और आम तौर पर ये क्रोमोसोम जिस्मी खलियात में पाए जाते हैं जोड़ियों की शक्ल में। और अगर जोड़ियों में जो अगर क्रोमोसोम की जोड़ी एक जैसे नज़र आ रहे हैं शक्ल और साख्त में तो उन्हें हम तरकीब क्रोमोसोम कहा जाता है, और अगर जोड़ी में क्रोमोसोम की शक्ल और साख्त में फ़र्क हो तो उन्हें गैर तरकीब क्रोमोसोम कहते हैं। जिनसी अफजाइश करने वाले हैवानात में क्रोमोसोम की एक जोड़ी दूसरी जोड़ी से मुख्तलिफ नज़र आती है, इस जोड़ी के क्रोमोसोम को जिनसी क्रोमोसोम कहा जाता है। यानी ये जो क्रोमोसोम है वो जिन्स का तायुन करते हैं कि जो नस्ल जो है आने वाला जो नस्ल है बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका तायुन जिन्सी क्रोमोसोम करते हैं। और जो बाकी जो क्रोमोसोम हैं गैर तरकीब क्रोमोसोम उनको उन्हें जिस्मी क्रोमोसोम कहते हैं, जो जिस्म की साख्त तायुन और दीगर खसूसियात जो है वालदेन से बच्चे में मुंतकिल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम आज के लिए इतना ख़त्म करते हैं और आइंदा वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे के टॉपिक देखेंगे।